दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नगेंद्र जो है दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेंद्र अमूल्य में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पित्त से रिलेटेड बीमारियों में। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे शरीर के अंदर पित्त बिगड़ जाता है तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार होने लग जाता है। दोस्तों शरीर बीमार होने का सबसे बड़ा कारण ही पित्त है। जी हाँ दोस्तों, अब आप पूछेंगे पित्त का एरिया कौन सा है। दोस्तों छाती से लेकर जांघ तक, मतलब जांघ तक जो भी बीमारी है दोस्तों, वो सारी बीमारी पित्त की कहलाती है। अब इसमें क्या क्या बीमारी आती है दोस्तों? खट्टी डकार बनना, एसिडिटी, आपको डाइजेशन की दिक्कत आ रही है, गैस बन रही है, और आपको लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, स्टोन है किडनी में, किडनी में सूजन है, लीवर में सूजन है, आंतों में दिक्कत है, अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, ये सब कारण दोस्तों पित्त का। या इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है पेट से रिलेटेड, वो सब समझ लीजिए पित्त के बिगड़ने के कारण आ रही है। तो दोस्तों आज कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा जो ये आपको पित्त की दिक्कत है जिंदगी में आएगी नहीं, और अगर आ चुकी है तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे पित्त को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले जब भी आप खाना खाएं तो उसके कम से कम एक घंटे बाद आप पानी पिए। दोस्तों ये नियम सब पे लागू होता है और मैं भी इस नियम को लागू करता हूं अपने ऊपर और मैं पालन करता हूं। दोस्तों यकीन मानना, आज मैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड नहीं, ना मुझे शुगर है, ना मुझे बीपी है, ना मुझे डाइजेशन की दिक्कत है, ना खट्टी डकार आती है, ना मुझे कभी सांस की दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों मुझे बुखार तक भी नहीं होता, क्योंकि मैं आयुर्वेद के कुछ नियम हैं जो उनको अपनाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया पानी कम से कम एक घंटे बाद आपको पीना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी हमें पीना ही है तो कम से कम खाना खाने से आधे घंटे पहले आप पानी पी सकती हैं। और अगर आपको हिचकी वगैरह आए खाना खाते हुए तो आप एक आधा घूंट ले सकते हैं, बट ज्यादा पानी नहीं पीना। अब वो क्यों नहीं पीना दोस्तों? इसका भी कारण होता है। दोस्तों आपने देखा जब हमें भूख लगती है तो हमसे रहा नहीं जाता, उस टाइम हमें भोजन चाहिए चाहिए, तो उस टाइम क्या होता, हमारे पेट में अग्नि जल रही होती है दोस्तों, उसको कहते हैं जठर अग्नि, वो बहुत ज्यादा जल रही होती है कि उस टाइम उसमें अगर हमने भोजन नहीं दिया तो बॉडी में बहुत दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं जब हमारे पेट में भूख लगती है, हमें हम कहते हैं भूख लग गई, तो उस टाइम वो अग्नि प्रवृत्त होती है और फिर उस हम अग्नि पे खाना डालते हैं तो वो खाना पकता है। दोस्तों खाना पकेगा तो रस बनेगा, और उस केस में अगर आपने खाना खाते ही पानी पी लिया तो वो क्या है, जो अभी आपने भोजन किया, दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, जो भी आपने भोजन किया वो पकेगा नहीं दोस्तों, वो सड़ेगा। ये यकीन मानना बहुत जबरदस्त नुस्खा है, आप इसको करना और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आप में खुद बदलाव दिखेगा। मैं नहीं कह रहा, मेरी बातों पे जाइए, लेकिन आप इसको करिए जरूर। फिर क्या होगा, अगर वो भोजन में आपने पानी डाला, वो कहते ना दोस्तों जब आग लग रही होती है हम उसमें पानी डाल देते, उससे क्या होता है वहां पे राख से इकट्ठे हो जाते, मतलब कचरा से इकट्ठा हो जाता, वो ही कारण हमारे पेट का। जब हम पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि शांत हो जाती है, उसका रस नहीं बन पाता और वो जो खाना है वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। सड़ने से क्या है, आपके शरीर में गैस बनती है, आपको खट्टी डकारें आती है, डाइजेशन की दिक्कत आती है, हिचकी आती है, और भी जो भी रिलेटेड आपको लीवर से दिक्कत आ रही है, किडनी से दिक्कत आ रही है, यूरिन की दिक्कत आ रही है, किडनी में स्टोन है, ये सब का कारण दोस्तों पित्त है। तो जैसे ही आप पानी पियेंगे ये अग्नि शांत हो जाएगी और वो खाना जो भी भोजन है वो सड़े। तो पहला आपने खाने को बचाना है, उसके लिए आप खूब दबा के, मतलब चबा चबा के खाइए खाने, जितने भी आपके दांत है गिन लीजिए, 32 है, 30 है, 26 है, जो भी आपके दांत, उतनी बार आप कम से कम एक भोजन को चबाइए। और खाना खाते हुए
कोई भी आपको कुछ भी काम हो सबको साइड में रख, क्योंकि दोस्तों जीवन से बड़ा कुछ नहीं। अगर बॉडी के अंदर कहीं भी कोई बीमारी आ गई तो दोस्तों चक्कर लगाने पड़ते हैं हॉस्पिटलों की बहुत, और पैसा खर्च होता है, जो इन्वेस्टमेंट है सेविंग्स वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारा मकसद यही है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपनी बॉडी को आप हमेशा फिट रखें। और क्या होता है दोस्तों, अगर आपको पित्त शांत करना है तो क्या करना है, आपको सुबह उठते ही जैसे आपकी आंख खुली 2 से 3 गिलास पानी पीना है, वो भी घूट घूट करके। अब आप कहेंगे कि जी मेरे को प्यास नहीं लगती। नहीं लगती फिर भी आपको पीना है। क्या होगा इससे, जब भी आप पानी पिएंगे तो हमारी बड़ी आंत में मल जमा होता है, तो जैसे ही प्रेशर जाएगा पानी का वो मल साफ होगा। आप यकीन मानना 2 से 3 मिनट के अंदर आपको प्रेशर बनेगा इतना तेज कि आप 5 मिनट में फ्रेश हो जाएंगे। आप कहेंगे वाक्य में बहुत जबरदस्त है, आपको कोई चाय की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं प्रेशर बनाने के लिए, ना कोई दवाई की जरूरत है, आप ऑटोमेटिकली प्रेशर। और क्या करना है दोस्तों, जब भी आप दिन में भोजन करें तो सब्जी में अजवाइन का सेवन जरूर करें। घर में जो भी आपकी सब्जी बनाता है, वाइफ है, बहन है, मम्मी है, जो भी आपकी सब्जी बनाता है उनको बोलो कम से कम 1 चम्मच सब्जी में अजवाइन डालना जरूरी है। अजवाइन दोस्तों पित्त को शांत करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि दिन में क्या होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो उस टाइम अजवाइन का अगर आप सेवन करेंगे तो टेम्परेचर को डाउन करेगा। क्योंकि दोस्तों दिन में क्या होता है, सूरज की गर्मी का भी टेम्परेचर होता है, बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, तो हमारा बीपी हाई होता है। और एक कोशिश और करें कि दिन में जब भी खाना खाएं तो आप कम से कम 30 से 35 मिनट आराम कर लीजिए। दोस्तों जिनको भी पित्त से रिलेटेड दिक्कत है उनसे आप पूछना, दिन में कभी भी वो आराम नहीं करते, खाना खाते ही भागते काम पे। तो आप थोड़ा सा नियम बनाइए। अगर आप कहते हैं कि जी हमारे पास सोने का टाइम नहीं है, हम नहीं सो सकते, तो एक छोटा सा काम कीजिए कि 5 मिनट कम से कम 5 मिनट आप वज्रासन में बैठिए। उससे क्या होगा, आपको डाइजेशन की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपका पित्त जो है वो शांत रहेगा। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त तरीके हैं पित्त से रिलेटेड बीमारियों को खत्म करने के लिए, और आगे जिंदगी में कभी बीमारी आपको इससे रिलेटेड आएगी, क्योंकि दोस्तों पेट ही है जो हमारी बॉडी में सब बीमारियों का कारण है, ये आयुर्वेद मानता है। सब इस चीज को फॉलो करते हैं कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि दोस्तों पेट से ही बीमारी हमारे चालू होती है। तो प्लीज आप कोशिश करें कि आप ये नियम को अपनाएं, और जब भी खाना खाएं नीचे बैठकर जमीन पे आल्टी पाल्टी मारकर खाएं। उससे क्या होगा दोस्तों, जो जमीन का गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारे नाभि पे जाता है, नाभि से साथ में ही हमारा अमाशय, अमाशय से मिलकर वो एक एनर्जी बनाता है जिससे वो भोजन जो आपने किया है उसको पचाने में ज्यादा मदद मिलती है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको पित्त शांत करना है, पेट से रिलेटेड बीमारियों को दूर करना है, तो आज से ही पानी आप कम से कम 1 घंटे बाद पिएंगे, और सुबह उठ के ही पानी पिएंगे घूट घूट कर। अब दोस्तों घूट घूट कर पानी पीने का क्या मकसद हो, क्या फायदा है? दोस्तों हमारे मुंह के अंदर होती लार, जिसको कहते हैं सलाइवा, तो जब भी आप घुट घुट करके पानी पिएंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी घुट घुट पानी के ऊपर, आप उसको देखिएगा जरूर। तो जब भी आप घुट घुट करके पानी पिएंगे तो वो सलाइवा आपके लार पानी के साथ पेट में जाएगी, और पेट में हमेशा दोस्तों आप जानते हैं एसिड बनता है, और जो हमारी लार है वो है अल्कलाइन, तो क्षारीय हमारी लार होती है, पेट में है एसिड, तो दोनों अगर मिलते हैं तो दोस्तों पेट हमारा शांत रहता है, मतलब
एसिड और लार दोनों अगर मिलेंगे तो सम रहते हैं, अगर इनमें से थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो ही बीमारी बनती है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी है और क्या क्या नियम आपको अपनी लाइफ में अपनाना है। आप मेरे कहने पर एक हफ्ता करके देखिए, सात दिन बाद आप देखेंगे कि आप में एक अलग बदलाव होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और बीमारी अगर आपको दिक्कत थी कोई पेट से रिलेटेड खत्म हो जाएगी। दोस्तों मैं बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, लेकिन मैं इन नियमों का पालन करता हूं और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं या आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं कभी दोस्तों बीमार नहीं पड़ता, ना मेरे घर में कोई बीमारी है, ऊपर वाले का शुक्र है। और थोड़ा सा आयुर्वेद का हम अपनाते हैं नियम, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते और मैं भी चाहता हूं कि आप भी बीमार ना पड़े। तो ये पित्त के कुछ कारण थे और कुछ उससे बचने के उपाय हैं। तो प्लीज थोड़ा सा निकालिए टाइम अपने लाइफ के लिए। तो जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, ये मेरा हमेशा स्लोगन है कि स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा मस्त रहेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज अच्छी लगी हो तो यार लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं और हेल्थ से ही वीडियो बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगा आपसे आप किसी एक नए टॉपिक पे किसी एक नए। नमस्कार।